जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टेलीकॉम तक पे। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होके, और आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ उस वीडियो में आपको बताएंगे कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अब हम लोग सारे यूपीआई पे हो गए बेस्ड, अब हमारे पास कैश भी नहीं होता किसी को देने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, किसी का नंबर डालते हैं, वहां से कर देते हैं पे। तो अगर आप भी पे करते हैं और आप भी सारी चीजें कैशलेस से चलते हैं, तो कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी को पैसा ट्रांसफर करना होगा बट वो गलती से किसी और के पास चला गया होगा। उस केस में आपने क्या किया होगा कि आपका वह पैसा या तो अगर आपके किसी जानने वाले के पास गया होगा तब तो आपको मिल गया होगा, लेकिन किसी अननोन पर्सन के पास जब आपका पैसा ट्रांसफर गलती से हो गया होगा तब वो पैसा आपको शायद ही मिला हो। तो इसी बारे में हम आपको बताएंगे, अगर आपसे भी कोई भी गलती से ट्रांजेक्शन हो जाता है तो उस ट्रांजेक्शन को आप लोग कैसे ले सकते हैं रिफंड। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने भी अपने चैनल टेलीकॉम तक को नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन को कर दीजिए हिट ताकि आप भी इस तरह के कोई भी अपडेट से ना हो मिस। चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। टॉपिक अपना यह था कि अगर आपका ट्रांजेक्शन गलती से किसी और के खाते में चला जाता है तो उसको रिफंड कैसे करना है। तो सबसे पहले बात तो यही है कि आप जब भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो सामने वाले से कंफर्म कर लें कि यूपीआई पे आपके नाम पे क्या नाम लिख के शो हो रहा है। अगर आपने भी ऐसा सब कुछ कर रखा है लेकिन उसके बाद भी आपसे गलती से ट्रांजेक्शन गलत हो गया है तब हम लोग उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अपना वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है npci.org.in। तो आपको इस वेबसाइट पर जाकर ओपन करना है अपने क्रोम ब्राउजर से। जैसे ही आप इसको ओपन कर लेंगे तो आपको उसके बाद जैसे ही आप इसमें एंटर होंगे एक राइट साइड में एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा गेट इन टच। जैसे ही आप गेट इन टच पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा यूपीआई कंप्लेंट का। आप जैसे यूपीआई कंप्लेंट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा एक ट्रांजेक्शन का। जैसे ही आप ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेंगे वहां पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, उसमें एक ऑप्शन आपके सामने आएगा इन करंटली ट्रांसफर टू द अनदर अकाउंट। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से आपको बहुत सारी जानकारी पूछी जाएंगी, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपके फोन नंबर क्या है, आपकी बैंक डिटेल क्या है, और आप कितने पैसे ट्रांसफर किए हैं आपने, और किस आपने जो ट्रांसफर किए हैं वो किस नंबर पर ट्रांसफर हो गए हैं। तो जैसे ही जानकारी आप वहां पर फिल करेंगे उसके बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा, आप वहां से कर दीजिए सबमिट। जैसे ही आप कर देंगे सबमिट तो आपने जो सबमिट डिटेल्स की है जैसी डिटेल्स अगर आपकी करेक्ट पाई जाती है तो वह पैसा आपके अकाउंट में हो जाएगा ट्रांसफर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और एक लाइक तो बनता है।